दियो। श्योपुर नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों की घोषणा हो गई है, जहां मतगणना के बाद नगरपालिका चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे। आपको बता दें कि श्योपुर नगरपालिका क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस मात्र 8-8 सीटों पर सिमट कर रह गईं, जबकि 6 सीटों पर निर्दलियों ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं एक सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की। हम आपको बता दें कि नगरपालिका श्योपुर के वार्डों से निर्दलीय के रूप में भी अपनी जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी कोई और नहीं, भाजपा और कांग्रेस के टिकट वितरण से असंतुष्ट हुए कार्यकर्ताओं ने ही निर्दलीय के रूप में अपनी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि बड़ी बात तो ये रही कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों को मात देकर अपनी जीत का परचम लहराया है। तो वहीं आपको बता दें कि श्योपुर नगरीय निकाय में नगर पालिका श्योपुर के वार्ड 1 से आहिस्ता खान ने कांग्रेस से अपनी जीत दर्ज की है, तो वहीं वार्ड 2 रेखा वाल्मीकि कांग्रेस से विजय रही। वार्ड 3 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनील मंगल को जीत मिली, जहां वार्ड 4 से भाजपा के विष्णु पाराशर विजय रहे, तो वार्ड 5 से निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे। वार्ड 6 से सलाउद्दीन खिलजी ने कांग्रेस की जीत दर्ज की, तो वहीं वार्ड 7 से भाजपा से राजेंद्र मित्तल विजयी हुए। वार्ड 8 से राधा सिकरवार विजयी हुई, 9 से प्रभात उमर, 10 से वंदना अग्रवाल, 11 से सुमेर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए। वार्ड 12 से कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी शिवहरे ने जीत हासिल की। वार्ड 13 से रेणु गर्ग कांग्रेस से विजयी हुए। वार्ड 14 से जुगल मेहरा आम आदमी पार्टी से विजयी हुए। वार्ड 15 से सीमा सुमन ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। वार्ड 16 से कौसर महमूद अंसारी कांग्रेस से जीते। वार्ड 17 से भाजपा की नाथी बाई विजयी हुई। वार्ड 18 से कांग्रेस के सदानंद पारेता जीते। वार्ड 19 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संजय महाना विजयी हुए। वार्ड 20 से भाजपा की हंसी बाई, 21 से कांग्रेस से अफसाना नागौरी जीती, तो वहीं वार्ड 22 से भाजपा के खालिद फारूकी विजयी हुए। वार्ड 23 से भाजपा की कलावती गौतम ने जीत हासिल की। नगर पालिका नगर परिषद की मतगणना हुई है, किस प्रकार यहाँ प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई और कैसे कैसे ये चरण रखे गए? देखिए, कुल मिला के कुल 5 चरणों में श्योपुर नगर पालिका की काउंटिंग प्रक्रिया हुई है पूर्ण। हमारे 7 वार्डों में चूंकि 2 ही राउंड थे, 2 ही मतदान केंद्र 2 राउंड थे, शेष में इस तरह से बाकी राउंड हुए हैं। कुल 1 वार्ड में हमारा 5 राउंड चला है और 2 वार्डों में 4-4 राउंड चले, शेष में 3 राउंड चले हैं। तो सभी राउंड्स की राउंड वार हमने गणना जो है वो उसकी घोषणा भी की गई है, उसकी प्रति भी उपलब्ध कराई गई है, सारे घोषणाएं हो चुकी हैं। अब केवल कैंडिडेट्स को जो प्रमाण पत्र है विजयी कैंडिडेट्स उनको दिया जाना है, वो भी अब कार्रवाई थोड़ी देर में शीघ्र चालू होगी और पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही, इसके लिए आप सभी लोग को इसके लिए बधाई। और अब हम लोग का आखिरी चरण बस प्रमाण पत्र वितरित करना है, इसके पश्चात निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी। सर, मतगणना कक्ष में मोबाइल प्रतिबंधित थे ये बात है, लेकिन मीडिया कक्ष पर जानकारी आने से पहले सोशल मीडिया पर पूरी जानकारी आ रही थी और बाहर से आ रही थी, कैसे लीक हुई सर जानकारी? देखिए, मीडिया कक्ष तक जो है वो मोबाइल अलाउड थे और वहां तक लोग लेकर भी आए हैं। नहीं, अंदर से ही जानकारी लीक हो रही थी, सोशल मीडिया पर पहले पहुंची, मीडिया कक्ष में बात वो स्पेसिफिक रहेगा उसका किया जाएगा कुछ। ग्वालियर में सर भाजपा जिलाध्यक्ष को मतगणना कक्ष से बाहर कर दिया गया, लेकिन मतगणना पर्चा भाजपा जिलाध्यक्ष भी देखे गए। देखिए, नहीं, जो निर्वाचन के नियम होते हैं उसका उल्लंघन होगा तो कार्रवाई होती है। ग्वालियर में ऐसा क्यों हुआ ये मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, हमारे यहाँ अगर ऐसी स्थिति थी यहाँ भी कार्रवाई होती है। नहीं सर, यहाँ पे भाजपा पदाधिकारी लगातार सुबह से ही यहाँ बिल्कुल निरंतर सक्रिय बने हुए हैं, नगर अध्यक्ष भी अंदर ही बैठे हुए हैं, इस तरीके का मामला किस तरीके से क्या आप बताइए सर। देखिए, अगर इस पे अगर जो निर्वाचन के जो एजेंट्स होते हैं, गणना एजेंट, गणना निर्वाचन एजेंट और अभिकर्ता स्वयं जो अभ्यर्थी है, ये सभी लोग की एंट्री हो सकती है, वो अपना आई कार्ड पहन के आ सकते हैं। सर, भाजपा जिलाध्यक्ष पूरी प्रक्रिया में रहे और उनके पास ऐसा वो क्या था वो पूरी प्रक्रिया में, जबकि ग्वालियर में तो उनको बाहर कर दिया गया था। देखिए, अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर इस प्रकार कोई आपत्ति लेते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होती है, अभी हमारे संज्ञान में नहीं था ये, और नियम इसके बड़े स्पष्ट हैं कि अगर एजेंट हो या कैंडिडेट स्वयं हो या गणना अभिकर्ता हो, अगर वो आई कार्ड वगैरह उनके पास है तो वो इसमें डायरेक्टली घुस सकते हैं। सर, नियम था कि एक एजेंट ही बनेगा, लेकिन कई पोलिंगों पर भी देखा गया मतगणना स्थल पर कि एक ही पार्टी के 2-2 एजेंट बैठे गए हैं। लिमिटेड पास जारी किए गए थे, जो नियमानुसार था वही किया गया।